SCM solution, chapter 15, question number 30. A tuning fork of frequency 440 Hz is attached to a long string of linear mass density 0.01 kg per meter kept under a tension of 49 Newton. The fork produces transverse wave of amplitude 0.5 millimeter on a string. Find the wave speed and the wavelength of wave. First question is wave speed find karna or wavelength find karna. So first A part dekhte apne. Wave speed find karna, speed ka formula tha tension upon mass per unit length. Tension kitna hai? Tension 45, mass per unit length 0.01. So ye aa jayega 49 into 100 ye aa jayega. So iska 70 answer aa jayega, 70 meter per second kya aa jayega apna speed aa jayega. Next portion mein kya pucha hai? Wavelength pucha hai. So wavelength apan kya likh sakte hai? Wavelength likh sakte hai frequency, sorry, wavelength ko apan kya likh sakte hai? Distance hai na, distance ko apan likh sakte hai speed into time. तो स्पीड इनटू टाइम. अब ये मेरे टाइम कौन सा लिखना है मेरे को? टाइम लिखना है मेरे को एक साइकिल का टाइम लिखना है, क्योंकि वेवलेंथ एक साइकिल की लेंथ होती है. तो टाइम मेरे को वन साइकिल का लिखना है, तो मैं इसको लिख देता हूं v बाय फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सॉरी v बाय फ्रीक्वेंसी, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं. अब स्पीड मेरा है 70 और फ्रीक्वेंसी कितना है 440. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 0.159, यानी ये आ जाएगा 15.9 सेंटीमीटर. अप्रोक्स करेंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर. वेवलेंथ क्या होगा? 16 सेंटीमीटर. बी पार्ट में क्या पूछा है अपने को? बी पार्ट में पूछा है फाइंड मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड क्या होता है? ए इनटू एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं. तो ए इनटू ओमेगा होगा मैक्सिमम वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कितना होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओके, वैल्यू पुट करते हैं. ए कितना दे रखा है अपने को? ए गिवन है 0.5 इंटू 10 के पावर माइनस 3. ओमेगा कितना है? 2 पाई न्यू. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर माइनस 3, 2 इंटू 3.14, और फ्रीक्वेंसी है 440. तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट अपने एक्सेलेशन है. तो एक्सेलेशन में क्या आ जाएगा? देखो, एक्सेलेशन में मेरे को इसमें सिर्फ ओमेगा का स्क्वायर करना है. ऑलरेडी स्पीड है निकाल चुका हूँ मैं, तो स्पीड इनटू ओमेगा स्क्वायर कर देता हूँ. स्पीड कितना है मेरा? 1.4 इनटू ओमेगा स्क्वायर, यानी 2 पाई इनटू न्यू, 2 पाई इनटू न्यू. तो न्यू कितना है मेरा? 440. तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 3.868 इनटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, यानी इसको लिखेंगे तो 3868 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट, सॉरी मीटर पर सेकेंड ही आएगा ना, मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर क्यों आएगा? किलोमीटर तो पॉइंट रखेंगे और 10 की पावर 3 नहीं रखेंगे तो आएगा, यानी 3.8 लिख सकता हूँ किलोमीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड नहीं, पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन है. थर्ड क्या पूछा है अपने को? थर्ड पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, यानी पावर पूछा है मेरे को, एवरेज पावर. तो एवरेज पावर का फॉर्मूला था 1/2 मास पर यूनिट लेंथ, स्पीड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दो 1/2 इंटू 70 इंटू, यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दोनों को मैं एक साथ ले देता हूँ. एम्पलीट्यूड 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, फ्रिक्वेंसी मेरा है, फ्रिक्वेंसी अपना क्या, 2 इंटू 3.14, 2 पाई इंटू न्यू 440 का स्क्वायर. इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 0.67 वॉट. एवरेज पावर क्या आ जाएगा? 0.67 वॉट.